हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीनस फिटनेस में। मैं अभिषेक सिंह आपको आज दिखाऊंगा कि जिम मशीन्स का एक पूरा जिम सेटअप कि कैसे आप मशीनों को प्लान कर सकते हैं। जैसे आप ओवरव्यू देख सकते हैं, इस समय ये हमारे फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री इंस्टॉलेशन एरिया। आप देख सकते हैं पूरी मशीन्स खड़ी हुई हैं। मैं एक करके आपको सब मशीन्स का एक छोटा छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि किस टाइप की मशीनें बनाई गई हैं, क्या डिज़ाइन इम्पैक्टफुल रहा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहली मशीन देखें जो है लैट पुल डाउन विद रोइंग। आप इसके एक ओवरव्यू ले सकते हैं। देखिए, ऊपर इसमें एक लैट पुल डाउन का हैंडल दिया गया है और नीचे इसमें रोइंग की अटैचमेंट दी गई है। तो इस पर भी पूरा इम्पैक्टफुल डिज़ाइन है। ये जो कलर है, पर्पल कलर इसमें दिया गया है। ये केरला में हमारा जिम जा रहा है, उसमें जो एक लेडीज जिम ओपन हो रहा है उसमें ये उन्होंने कलर की डिमांड रखी है, जिसमें ये कलर जा रहा है। इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें लैट आपको दी जाती है पैक्ड फ्लाई विद द अडल्ट। ये पैक्ड फ्लाई विद द अडल्ट मशीन है जो इस ऑर्डर में हमारी जा रही है। इसका भी डिज़ाइन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। 90% एक्सेसरीज पे भी इंट्रोड्यूस की गई है। बात करें हम अपनी नेक्स्ट मशीन की, जो है आपकी लेग कलर एक्सटेंशन। ये एक हॉरिजॉन्टल लेग कलर एक्सटेंशन है, इसमें आपको कन्वर्ट करना बहुत इजीली हो जाता है। देखिए, इस समय ये आपका एक्सटेंशन में चल रहा है। आपको अगर लेग कल में चलाना तो केजर पुश करना है और इसको आपको ईजिली ऐसे ऐसे पुश करना होता है और आपका ये लेग कल में भी चल सकती है। नेक्स्ट मशीन की तरफ बढ़ेंगे जो है हमारी मल्टीप्रेस मशीन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक डिटेलिंग बताना चाहूँगा। ये जो आप मशीन देख पा रहे हैं मल्टीप्रेस, मार्केट में बहुत से मल्टीप्रेस अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें क्या यूनिक है, इसमें जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो इसको पूरी एक नीलर बैरिंग रोड पे चलाया गया। ये हार्डकोर में एक रोड है, नॉर्मली ये पाइप पे चलती है, बट इसमें जो आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा जहाँ पे ये पाइप पे चलाई गई है, लेकिन ये नई डिज़ाइन बनाई गई जो आपकी रोड में चल रही है। इसको एडजस्ट करना बहुत ईजी, आप देख सकते हैं बहुत ईजिली इसको मूव किया जा सकता है, बहुत ईजिली इसको इम्पैक्ट किया जा सकता है। इस रीज़न हम आगे बढ़ेंगे। माई नेक्स्ट मशीन है फ्रेंड्स जो है लेग प्रेस। ये एक 45 डिग्री लेग प्रेस है जो इम्पोर्ट सेगमेंट में आती है। इसका इंडियन वर्जन है, ये हमारे द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, ओवरऑल लुक काफ़ी इनहेंस किया गया है। इसको चलाने भी बहुत ईजी है, मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं करना होता जब आप चला इसको यूज़ करें तो आपको सिर्फ हैंडल ऐसे पुश करना होता है बस। इस समय आप इसको लेग प्रेस के लिए पूरा डेडिकेटेड में यूज़ कर सकते हैं और इसमें सेफ्टी लॉक भी। अगर आपका ज़्यादा वेट हो जाता है तो आप सीधे से छोड़ सकते हैं, इस बेस पे आराम से रुक जाएगी, आपको इंजरी के चांसेस नहीं हो पाएंगे। और इसको सिर्फ आपको अनलॉक करना, सिर्फ आपको इसको सिर्फ पीछे पुल करना होता है और ये लॉक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी डेडिकेटेड लेग प्रेस जो 45 डिग्री पे है। एक न्यू सेगमेंट की लेग प्रेस है, एक नई मशीन आप इसको कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मशीन है वो है एब हैमर मशीन। ये एक एब हैमर मशीन है जो आपके एब्स के लिए परफेक्ट मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें सीट एडजस्टमेंट बहुत ईजी, आपको सिर्फ नीचे से खींचकर पुल करना होता है और आप इसका ये साइड में इस्तेमाल, ये आपका एक साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आपको फिर खींचकर पुल करना होता है और आप इसे इस साइड से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल इम्पैक्टफुल डिज़ाइन है जो एब हैमर में दिया जाता है, आपके तीनों सेप्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे जो है बहुत यूनिक मशीन, आपका लेग एक्सटेंशन। ये सीटेड लेग एक्सटेंशन हैमर में है, इसमें से आपका सिंगल गुल्ला जो होता है वो वर्क किया जाता है। उसके इजीली बहुत अच्छा इसका मोमेंट है, बहुत अच्छा इसको वर्क किया जाता है, बहुत अच्छे डिज़ाइन में बनाई गई है, पूरे बेस स्ट्रक्चर के साथ इसको बनाया गया है। अगर हम वर्क की बात करें, आपको इसको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। देखिए, एक्सटेंशन में चलती है तो इसको इजीली वर्क करना बहुत आसान है और ये परफेक्ट मोमेंट इम्पैक्टफुल प्राप्त करती है। बहुत से रोलर्स क्या होते हैं, वो ऐसे रोलर्स आपके जो पैर में वो पेन प्राप्त कर पाते हैं और दूसरा इस चीज़ में बहुत काफ़ी प्ले होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, ये एक इम्पैक्टफुल डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को हम जल्दी जल्दी अपने चेकआउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे डुअल ट्विस्टर। ये डुअल ट्विस्टर है, इसमें एक तरफ स्टैंडिंग और दूसरी तरफ आपको सीसी ग्रेड का प्रावधान दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे अगले मशीन की तरफ जो है हमारी सीटेड काफ रेसिस। ये आपकी सीटेड काफ रेसिस आपके जो काफ के लिए एक सही बैलेंस प्रावधान प्राप्त करती है। साथ ही साथ इसमें एक आपको फिक्स बार्बल लैग दिया गया है, इसमें आपकी फिक्स बार्बल लगती है, वो चीज़ें लगाई जाती हैं। दूसरा इसमें आपको दिया गया है पैरल बार डिप। इसमें डिज़ाइन काफ़ी इम्पैक्टफुल डिज़ाइन है जो आपके डिप्स के लिए, आपके एब्स के लिए, आपके चेस्ट के लिए मल्टीपल यूज में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसमें आपको दिया गया है एक इंक्लाइन टी बार। ये एक इंक्लाइन चेस्ट सपोर्ट टी बार है जो आपके चेस्ट के लिए बेस्ट मूवमेंट प्राप्त करता है, आपके बैक के लिए। इसको टी बार रो भी बोलते हैं, लेकिन ये इंक्लाइन चेस्ट पे टी बार है। इससे हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम चलते हैं मल्टी फंक्शनल ट्रेनर पे।
ये एक बिल्कुल न्यू कंसेप्ट आया है जिम सेक्टर में, जहाँ पर आपका फंक्शनल ट्रेनर आपका स्मिथ मशीन चलता है। ये दो स्टेशन के साथ है और इसमें एक स्टेशन और आता है जिसमें आपका तीन स्टेशन चलते हैं, आपने हमारे पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा। मल्टी फंक्शन, इसमें आपका फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ मशीन विद स्कोर ट्रैक चलता है। ये आपका डुअल में है जिसमें आपका फंक्शनल ट्रेनर वर्क कर रहा है और दूसरा आपका स्मिथ मशीन उधर वर्क कर रही है। ये भी एक इम्पैक्टफुल डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे लुक में एनहांस किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें आगे बढ़ेंगे, जो है लेग प्रेस विद हेड स्क्वाट, इसमें लेग प्रेस हेड स्क्वाट दिया गया है। इसको भी इजीली कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, आप इसको पुश करके आराम से इजीली हेड स्क्वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी आप इसमें मशीन देख रहे हैं, ये एक हमारा केरला में जिम है जो उनका पहले से जिम एक रन कर रहे हैं, उसमें ये कुछ सामान ऐड हो रहा है हमारे जिम में ही। और आगे बढ़ूंगा तो आपको दिखाना चाहूँगा चेस्ट प्रेस हैमर, इसमें ये चेस्ट प्रेस आपका मिड चेस्ट के लिए चेस्ट प्रेस हैमर दी गई है, जो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट प्राप्त करती है आपकी मशीनों के लिए। और सारी चीज़ें इसमें भी 90% एक्सरीज इम्पोर्टेड लगाई गई हैं। बात करूँ अगर मैं इसके नेक्स्ट की, तो है वो है इंक्लाइन चेस्ट फ्लाई। ये इंक्लाइन चेस्ट फ्लाई है और इसमें भी मूवमेंट काफ़ी इम्पैक्टफुल है आपकी चेस्ट के लिए। आप एक नेक्स्ट लेवल वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें एक नेक्स्ट लेवल वर्कआउट कर सकते हैं। और बात करो तो मैं अगले इक्विपमेंट की, जिसमें वो दिया गया आपको सीसी स्क्वाट्स। ये आपका सीसी स्क्वाट दिया गया है, तो कोई स्क्वाट्स के लिए बेस्ट होता है बिगिनर्स के लिए, खासकर सीसी स्क्वाट्स दिए गए हैं। और फिर इसमें आपका एबेस दी गई है, साथ ही साथ आपका हाइपर एक्सटेंशन भी इसमें दिया गया है। इसमें आपका हाइपर एक्सटेंशन दिया गया है। और इधर हम बात करें तो इधर दो दो इनर आउटर मशीन रखी गई हैं। देखिए, अगर जब भी इनर आउटर की बात आती है तो लोग इसको एक फीमेल से कंपेयर कर देते हैं कि ये फीमेल जिम में ज़्यादा रेफर की जाती हैं। लेकिन अगर आपके आप एक अच्छी लेग्स चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि कॉम्पिटिशन लेवल पर भी आप तैयारी करते हैं, तो आपको इन मशीन्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है जिम्स में। और एक न्यू सेगमेंट है इनर आउटर के लिए, इसको इजीली यूज़ करना काफ़ी बहुत ईजी होता है। और इसकी पूरी वीडियो हम सेपरेट बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे जो यूनिक मशीन है पूरे जिम सेगमेंट में, वो है स्टैंडिंग लेटराइज मशीन। इसका एक पूरा आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। बहुत इम्पैक्टफुल इसका डिज़ाइन है, बहुत इम्पैक्टफुल इसका कलर है और बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस ये देती है। अभी जिम सेगमेंट में बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है ये, बहुत कम जिम्स में आपने देखी होगी। मे बी आप इसे कुछ व्यूवर्स को पहली बार देख रहे होंगे। इसके मैं वर्क की बात करूँ तो ये आपका शोल्डर्स, आपका बैक, आपका चेस्ट, आपका बाइसेप, मल्टीपल यूज है इस मशीन के। इसकी बहुत सी वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएंगी। उसकी पूरी वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल यूजेज में। मैं आपको इसकी कुछ पोजिशन दिखाना चाहूँगा, जैसे आप ये देख सकते हैं। देखिए, इस समय अगर ये आपको फर्स्ट केचर पर लगी हुई है तो आप इसका लेटराइज यानी आपका शोल्डर्स के लिए बेस्ट मूवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा इसमें खास बात क्या है, आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन में। सबको पुश करना है केचर को, आप इसको नीचे तक ले जा सकते हैं। अभी इस समय लग चुकी है इसको, जो नेक्स्ट पोजीशन की वो आप इसमें चेस्ट हेड सपोर्ट के साथ लेटराइज यूज कर सकते हैं आप इसमें, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा, आप इसमें आपका बैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इसको ऊपर पुश करना होता है पुल करके। अब आप इसको केचर को एडजस्टमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देख पाया हमने केचर दोनों एडजस्ट कर चुके हैं। अब इसको हम बैक के लिए यूज़ करना है तो आप पूरा हैंडल पकड़ सकते हैं यहाँ से। इसको आप नीचे ऐसे आपका शोल्डर के लिए और बैक के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं इसको। ये इसके कुछ मल्टीपल यूज़ होते हैं जो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टैंडिंग लेटराइज मशीन, इसके मल्टीपल यूजेज हैं। इसकी पूरी वीडियो आपके लिए जल्द लेके आएंगे, इसमें आपको प्रॉपर वे ऑफ एक्सरसाइज का बताएंगे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपने पूरा जिम सेटअप जो देखा ये हमारे केरला में जा रहा है। अगर आप भी जिम सेटअप लगाना चाहते हैं और एक अच्छा मैन्युफैक्चरर की तलाश में है तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आप भी ऐसी नई वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो उन दोस्तों से शेयर कर सकते हैं जो जिम सेटअप लगाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।